हेलो एवरीवन, कल हमने पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। उसमें पहला कॉन्सेप्ट लिखिए आप। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ठीक है। इसका रूल लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट वॉज वर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। इसको मैंने क्या बताया था? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, याद है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बताया था? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? पास्ट का मतलब पास्ट की इंफॉर्मेशन, और जो पास्ट की इंफॉर्मेशन में जो भी कोई काम चल रहा होगा या चल रहा था तो उसको बताएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। इसमें देखिए, वॉज का यूज कहाँ होगा? सिंगुलर में, ठीक है, और आई के साथ भी वॉज का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना। वर्ब का यूज कहाँ होगा? प्लुरल में, यू के साथ, वी के साथ किसका यूज होगा? दे के साथ किसका यूज होगा? वर्ब का यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए आप, जैसे वी वर वी वर वॉचिंग द मूवी। हम मूवी देख रहे थे, ठीक है। तो ये काम कब हो रहा था? ये पास्ट के एक्शन में जो कंटिन्यू चल रहा होगा उसको बता रहा होगा, ठीक है। सेकेंड लिखिए, they were doing their work, वे अपना काम कर रहे थे, ठीक है। थर्ड लिखिए, I was playing cricket, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। एक और लिखिए, she was making rangoli, वह रंगोली बना रही थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है? इसमें आपको पास्ट की है, पास्ट में जो एक्शन चल रहा था उसको बताएगा। जैसे वी वर वॉचिंग द मूवी, हम मूवी देख रहे थे। दे वर डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे थे, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। शी वॉज मेकिंग द रंगोली, वह रंगोली बना रही थी। इसके बाद नेगेटिव लिखिए, यहां पे इसे रफ कर दीजिए। देखिए, यही इन्हीं सेंटेंस में आप नेगेटिव का यूज देख लीजिए। यहां पे बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? वॉज या वर है, तो यहां पे क्या कर देंगे, बस आप वॉज वर के साथ क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट लगा। अब इन्हीं में देखिए, वी वर वॉचिंग द मूवी, तो यहाँ पे नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो तो क्या बन जाएगा? वी वर नॉट वॉचिंग द मूवी, हम मूवी नहीं देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे लगा दो, दे वर डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम नहीं कर रहे थे। जैसे आई वॉज प्लेइंग द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो यहाँ पे अगर मैं नॉट लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। लास्ट है आपका, शी वॉज मेकिंग द रंगोली, वह रंगोली बना रही थी। अगर मैं इसमें नॉट लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? शी वॉज नॉट मेकिंग द रंगोली, वह रंगोली नहीं बना रही थी। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब ये तो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए फटाफट। मैंने एग्जाम्पल सेम इसलिए ही रखे हैं जिससे कि आपको ना कंफ्यूजन ना हो कि नॉट कहाँ लगाना है, कब लगाना है, आपको रूल्स याद करने में दिक्कत ना हो। इसी वजह से मैंने सब सेम एग्जाम्पल में ही आपको दोनों चीज समझा दी, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी। अफर्मेटिव में बस नॉट का यूज नहीं होगा और सब कुछ एज इट इज रहेगा, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगी आपकी? नॉट लग जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इसको नोट डाउन करिए फटाफट, इसके बाद का आगे का इंटरोगेटिव करवाती हूँ मैं। देखिए, सारे रूल्स हैंड टू हैंड देखिए याद करते हुए चलिए, ठीक है, आपके एग्जाम में काम आएंगी ये सभी चीजें। उसके बाद देखिए इंटरोगेटिव का,
इंटरोगेटिव में लिखिए, अगर आपका पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, देखिए कॉन्सेप्ट लिखिए पहले, कॉन्सेप्ट लिखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, ठीक है, वॉज वर के साथ आपका सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद अगर इसी में नेगेटिव है तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए अब तक तो आपको याद भी हो गए होंगे, मैंने काफी सारे कितनी बार आपको यही रूल सेम रिपीट करवाए हैं, तो क्या आएगा वॉज वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद आपका नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, इसके बाद फिर अगर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, इसके बाद क्वेश्चन वर्ड वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लिखो फटाफट, जैसे वर वी, वर वी प्लेइंग, वर वी प्लेइंग द चेस, क्या हम चेस खेल रहे थे, ठीक है, जैसे हमें कोई चीज याद नहीं रहती ना कि हम क्या खेल रहे थे, हमें पता भी नहीं हम ये काम कर रहे थे, जैसे वर वी प्लेइंग द चेस, क्या हम चेस खेल रहे थे, ठीक है, उसके बाद वर यू, वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे, ठीक है, उसके बाद एक और लिखिए वाई आर, सॉरी वाई वर, वाई वर यू, वाई वर यू नॉट, वाई वर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक है, एक और लिखे लास्ट, लास्ट में क्या लिखेंगे, वॉट, यहां दिखाई दे रहा है आप लोगों को या मैं इसको ऊपर लिख दे रही हूं, ठीक है, यहां देखिए वॉट वर, सॉरी वॉट वॉज, वॉज करके लिखिए यहां पे, ठीक है, वॉट वॉज ही, वॉट वॉज ही डूइंग देयर, ठीक है, वह वहां क्या कर रहा था, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है, क्या रूल्स हैं, वॉज हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब के साथ सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन मार्क में आपका नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है, ये आपको पता है ना, इसका आंसर हमेशा यस नो में दिया जाता है, ठीक है, एक बार और बता दे रही हूँ, और इसका आंसर हमेशा पूरा आंसर दिया जाता है, इस अगर आपके कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है उसका हमें पूरा आंसर देना होता है, और इसमें क्या होता है हमें सिर्फ यस नो भी आंसर देके आंसर को हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन वर्ड वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क कभी मत भूलना इंटरोगेटिव में, हमेशा नंबर कटते हैं, ठीक है, अगर आपका रिटर्न में है तो, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिटर्न में है तो हमेशा इस बात को याद रखना कि इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क के एरर होता है, तो उसको ध्यान रखना वरना नंबर कट जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड वॉज वर्ब, अगर क्वेश्चन वर्ड में सेंटेंस आपका नेगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगाना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है, वर वी प्लेइंग द चेस, क्या हम चेस खेल रहे थे, ठीक है, वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे, ठीक है, व्हाई वर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, व्हाट वॉज ही डूइंग देयर, वह वहां क्या कर रहा था,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक लास्ट छोटा सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, उसको और देख लीजिए, फिर इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ठीक है, फटाफट इसको कर लीजिए। देखिए, एक छोटी सी बात है, ध्यान रखिए, अगर कहीं भी आपको सेंटेंस में ये लिखा हुआ दिखाई दे दीज डेज, ठीक है, और कहीं भी आपको दिखाई दे दोज डेज, क्या दिखाई दे दोज डेज, तो अगर आपको कहीं भी दीज डेज लिखा हुआ दिखाई दे तो हमेशा याद रखना है वो प्रेजेंट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में यूज होगा दीज डेज, ठीक है, और अगर कहीं भी आपको दोज डेज का यूज दिखाई दे ना तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनेट में होगा या पास्ट में यूज होगा, पास्ट टेंस में यूज होगा। जैसे आई वॉज प्लेइंग, विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स दोज डेज, ठीक है। तो यहां पे ये सेंटेंस क्या बिल्कुल करेक्ट है कि मैं उन दिनों अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं, जैसे मैं इसी को यहां पे लिखूं, आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स दीज डेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि दीज डेज का यूज किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। तो यहाँ पे वॉज ना आके क्या आएगा, आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स दीज डेज। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर कहीं भी दीज डेज का यूज है तो वो प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, और कहीं भी आपका दोज डेज का यूज है तो वो पास्ट टेंस में यूज हो गया। इतनी बात समझ गई। तो आज आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूस भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये आपको पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये छोटा सा टॉपिक था जो मुझे आपको समझाना था। इसके बाद अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।